हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी छड़ी कविता का जिसका नाम है हम इस धरती की संतति है, इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो इस कविता के कवि है, देखिए इस कविता के कवि का नाम है उमाकांत मालवीय। और इस कविता में लेखक ने जो कुछ भी पद्यांश यहाँ पे दिया गया है वो कव्वाली प्रकार का है। तो कव्वाली क्या रहता है, देखिए कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तरीका या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। यह कविता और कव्वाली में कवि ने दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यह हुई इस कविता के बारे में जानकारी। अभी हम इस कविता का जो कुछ भी स्वाध्याय है उसके ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआत में देखिए सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें से पहला वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्रुवा, प्रहलाद, भरत, जयमाल, लक्ष्मीबाई, सावित्री, दुर्गावती, चांद बीवी, पद्मिनी, सीता, रजिया सुल्तान। तो इसमें से ऐतिहासिक कौन सा है और पौराणिक कौन सा है, देखिए ऐतिहासिक में जयमल, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बीवी, रजिया सुल्तान और पद्मिनी आते हैं। और पौराणिक में ध्रुवा, प्रहलाद, भरत, सावित्री, सीता आते हैं। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक दो विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। तो अपनी लगन का सच्चा कौन था, प्रहलाद। किसी को कुछ ना गिरने वाला जयमोल। तीसरा, खूब लड़ने वाली मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई। चौथा, भारत माता के रथ के दो पहिए स्त्री और पुरुष। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक तीन, सही या गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके फिर से लिखिए। इसमें से पहला देखिए, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। सही वाक्य गलत, झगड़ने से बातें और उलझ जाती है। अगला वाक्य, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। तो गलत, रानी कर्णावती ने अकबर को राखी भेजी थी। अगला वाक्य, भारत शेर के दांत गिनते थे। यह वाक्य सही है। चौथा वाक्य, ध्रुवा आकाश में खेले थे। इसका उत्तर, यह गलत वाक्य है, ध्रुवा मिट्टी में खेले थे। अगला चौथा प्रश्न, कवि से प्राप्त संदेश लिखिए। तो आपको जो कुछ भी संदेश इस कविता से प्राप्त हुआ वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उत्तर देखिए, कविता से प्राप्त संदेश, स्त्री व पुरुष एक समान होते हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है। दोनों का अस्तित्व समाज व देश के लिए अत्यावश्यक होता है। स्त्री पुरुष समानता पर सभी को बोल देना चाहिए। स्त्री पुरुष वर्तमान बालक और बालिकाओं के एक दूसरे का साथ देना है तथा भारत माता को प्रगति की ओर ले जाना है, क्योंकि वह आने वाले भारत की पीढ़ी है, राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। तो इस तरह से हमारा इस कविता का छोटा सा स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय में कोई भी संदेह है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है उस पे आप मैसेज के स्वरूप में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से सभी वीडियोस देखने को मिले। अगर आपको हमारे लाइव क्लास अटेंड करने हैं तो आप हमारा जो कुछ भी सेकेंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवरी अकेडमी लाइव चैनल, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बच्चों, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इसी तरह से अगले पार्ट और इसके पहले के पार्ट और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे कक्षा 10 में संपूर्ण पाठ और संपूर्ण स्वाध्याय इस फोल्ड हिंदी संपूर्ण पाठ और संपूर्ण स्वाध्याय इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय में। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।